नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने बिहार की नेताओं को गुंडा बताया। उसके बाद फिर बिहार की सियासत गर्मा उठी और हर नेता अपने अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। इसी बीच हम आपको बता दें कि जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि ऐसी बात कहने की इजाजत किसी को नहीं है। बिहार और बिहार वासियों के लिए पहले भी ऐसी बात कही जाती थी, लेकिन बिहार की हम बात क्यों करें, किसी अन्य राज्य के बारे में भी ऐसी बात कहने की इजाजत किसी को नहीं है। अगर कोई कहता है तो उस पे कार्यवाही की जानी चाहिए। और भी इस बात पे उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, उनके इस बयान को सुनिए। कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे उसको कभी इजाजत नहीं दी जा सकती, खास करके बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में। पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी कई लोग इस तरह से बोलते रहे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे या कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता, घोर अनुचित है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 31 तारीख को जदयू का राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इसको लेकर के किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या क्या लगता है कि उस दिन हो सकता है? नहीं, तैयारी तो चल रही है, सब लोगों को सूचना दी गई है। मीटिंग में जिनको आना है मीटिंग में लोग आएंगे और बैठक होगी। पहले से कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है कि किन मुद्दों पर। हाँ, कई राज्यों में चुनाव होना है, पार्टी के संगठन का विस्तार और कैसे हो, सदस्यता अभियान इत्यादि के माध्यम से, तो इन चीज़ों पर विशेष रूप से वहाँ चर्चा होगी। ये भी चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपेंद्र कुशवाहा भी चुने जा सकते हैं उसको? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आज की तारीख में RCP सिंह जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली कहा है कि इस बात पर कोई विचार होने की बात है। लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप इसको किस ढंग से निभाएंगे, कैसे चलाएंगे? देखिए, हम तो जनता के आदमी हैं, जनता के बीच में, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरे नाम को जोड़कर देखना या चर्चा करना मुझको नहीं लगता है कि कोई मुनासिब है, क्योंकि अभी तो कोई वैकेंसी ही नहीं। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो नहीं लगता कि जल्दी और मजबूत हो जाएंगे? नहीं, सवाल इस बात का नहीं। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह जी हैं, पार्टी का चुनाव अभी तो हो नहीं रहा है। तो आपने इस वीडियो में सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, और जब उनसे पूछा गया कि 31 जुलाई को दिल्ली में जदयू के कार्य समिति की बैठक होनी है और उस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनका नाम, उपेंद्र कुशवाहा का नाम जो है वो लिया जा रहा है, तो इस बात पे उन्होंने कहा कि इस अध्यक्ष पद पर अभी भी RCPC मौजूद है, वो पद ही खाली नहीं है, तो इसके बारे में क्या बात किया जाए। उन्होंने साफ तौर से इस बात को खंडन करते हुए कहा कि अगर पद खाली होती तो कुछ विचार किया जाता, लेकिन अभी तो ये विचार का विषय ही नहीं है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ PR।